तो ये है जोलो चिप्स, दुनिया की सबसे 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 स्पाइसी चिप्स। तो भाई मेरी बेटी खतरे में है, उसको बचाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आप सबका मेरे व्लॉग में, और आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो ये मैं एक्टिंग कर रही हूँ और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। ठीक है, मैं खुश हूँ। तो चलो, आज खुशी की बात ये है कि आप सबने एक साथ छुट्टी कर ली। फ्री हूँ, आराम से एडिटिंग होगी मेरी और आराम से सारी। हालांकि आज मेरे को खाना नहीं है कुछ, मेरा फास्ट है तो खाएंगे नहीं, कुछ एडिटिंग ही कर लूंगी और टाइम भी बच जाएगा मेरा और रेस्ट भी मिल जाएगा। तो देखो सब खाली, आज सबने एक साथ, मुझे लग रहा है ये छुट्टी ना प्लान्ड छुट्टी है। तो दया कुछ तो गड़बड़ है। चलो पता नहीं प्लान्ड है या अनप्लान्ड है, लेकिन सब एक साथ नहीं आए। एडिटिंग कर लेती हूँ और आराम से धूप में बैठूंगी आज, थोड़ा सा धूप सेकूंगी, रेस्ट करूंगी। तो चलो चलते हैं। तो अब छुट्टी हो ही गई है सबकी और मैं फ्री हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि ऑयलिंग कर लेते हैं, मतलब हाथ पैर में तेल वेल लगा लेते हैं। धूप अच्छी निकल रही है, मस्त। अपने घर पे तो टाइम नहीं मिल पाता, मतलब छत पे जाना पड़ेगा ना धूप, तो आराम से हाथ पैर में ऑयल लगाते हैं। तो पहले मैं अपना आसन बना लेती हूँ, फिर करते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे धूप आ रही है तो इसी पे बैठ जाऊंगी। और ऑयल ऑयल मेरे बैग में पड़ा रहता है, सरसों का तेल। तो चलो अब आराम से ऑयलिंग करते हैं और आराम से थोड़ा सा विटामिन डी लेते हैं, धूप से वैसे भी विटामिन डी की कमी है। तो चलो, तो गाइज मैंने तो अपना मैट वैट भी बिछा लिया, तो मस्त धूप आ रही है और अभी 8:30 हो रहे हैं, तो आराम से मेरे पास बहुत टाइम है, तो आराम से धूप लेते हैं, मतलब अपनी विटामिन की कमी को आज जितना पूरी हो सकती है उतना तो करते हैं। टी शर्ट वी शर्ट सारी ऊपर कर लिया है, आराम से जॉइंट्स पे धूप लगेगी ना तो थोड़ा अच्छा से लगेगा, तो रिलैक्स हो जाएगा बॉडी भी और माइंड भी। तो ऐसा करना चाहिए, ऑयलिंग करनी चाहिए हफ्ते में कम से कम 2-3 बार, तो हफ्ते में अगर ज़्यादा मिनिमम से मिनिमम 1 बार तो करनी चाहिए ऑयलिंग पूरी बॉडी पे, और ऐसा थोड़ा सा धूप वूप भी लेनी चाहिए। तो चलना रिलैक्स करते हैं। A few moments later. मैं तो धूप धूप भी ले ली, मस्त ऐसा लग रहा है, मैं तो सो भी गई थी। मैंने सोचा था 1 घंटा सिर्फ अपना थोड़ा सा धूप धूप लूंगी, और मुझे इतनी तेज नहीं लगी ना। चलो अब कोई बात नहीं, सो लिया थोड़ा सा, अब आराम से एक्सरसाइज होगी। तो बस अब मैट रख के फिर एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा सा अपनी। आज अच्छा सा हो गया, आज मेरे मन में आ रही थी कि आज क्यों ना मेडिटेशन करी जाए, क्योंकि काफी दिन से बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है। जब आगे इन फ्यूचर जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी ना, तो मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगी कि क्या चल रहा था ज़िंदगी में, तो अभी नहीं आगे, इन फ्यूचर। अभी वैसे मैं ऐसे बैठी हुई, ये वाला एंगल पता नहीं कैसा आ रहा होगा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो ऑयलिंग करने के बाद मसल्स हो चुकी थी रिलैक्स, लेकिन फिर मेरा मन कर रहा था कि चलो थोड़ा सा वर्कआउट कर ही लेते हैं। तो लास्ट बैच में सबके साथ मैंने क्रंचेस कर लिए थे। जिम से घर पहुंच चुकी हूँ मैं, और कपड़े वगैरह चेंज वेंज करके आराम से चाय में बैठी, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। जिस दिन हम भूखे रहते हैं ना, कभी नोटिस करना कुछ खाया ना हो ना, तो ठंड ज़्यादा लगती है, चाहे वो कमजोरी से लग रही हो। मतलब साढ़े पाँच बजे मैंने ब्लॉग अपलोड करा है। और एक चीज़ और होगी, देखो मेरा फ़ोन यहाँ से टूट गया है, मतलब पूरी तरह से टूट गया है, देखो ऐसे दिखेगा, ये यहाँ से टूट चुका है। तो इस वाले फ़ोन में से कभी भी प्राण निकल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। और अगर अब ये टूटा ना, तो मुझे नया फ़ोन लेना पड़ेगा एक और, क्योंकि एक फ़ोन साथ में होना बहुत ज़रूरी है, एक फ़ोन से ब्लॉगिंग और दूसरा फ़ोन मुझे नॉर्मली कॉल्स वगैरह के लिए चाहिए होता है। तो अगर ये टूटा ना, तो अब ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 से 4 बार ठीक हो चुका है, और इसकी डिस्प्ले मैंने 6-6, 4-4 हज़ार रुपये में ठीक कराई है ओरिजिनल डलवा के। तो अब खाना बना के, खाना खा के फिर आराम से रेस्ट ही करना है। तो चलो चलते हैं, खाना बनाते हैं। चलो खाना खाते हैं, मतलब खाना बनाते हैं। बेटी तो जोई की ड्रेस बताना कमेंट में कैसी लग रही है। और बाकी खाना बन चुका है, अब करनी है पूजा और उसके बाद खाना खाएंगे। तो भाई ठंड हो रही है ना, तो मैं घर में भी जैकेट पहन के रखती हूँ ज़्यादातर, और आज मेरे को थोड़ा सा खांसी खांसी भी लग रही है, तो इसलिए क्या कहते हो उसे, सेफ्टी फर्स्ट। घर में अभी कोई है नहीं, सारे ऊपर है। तो पूजा पाठ हो चुकी है और अब कुछ खाना वाना खा लेती हूँ। बहुत गाने बज रहे बाहर, खाना खा लेते। तो यार जिंदगी लाइन पे नहीं है, तो व्लॉग कैसे टाइम पे बनेगा। तो मैंने व्लॉग फिर नेक्स्ट डे कंटिन्यू करा। Day 2.
बाकी वो क्लास करा दी थी, और उसके बाद फिर मैंने सबके साथ फिर से वर्कआउट करा नेक्स्ट डे। तो आज मैंने प्लैंक में किसी को उठाया अपने ऊपर, मतलब चढ़ाया अपने ऊपर, तो ठीक था। तो आप लोग मुझे देख के बिल्कुल भी ये ना करें, ये रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद होता है, जब हाथों में बहुत स्ट्रेंथ आ जाती है तब, वरना ऐसे होता है। तो सारी क्लासेस होती है कंप्लीट, तो चलो चलो अब घर चलते हैं, घर पे मिलती हूँ। आज की भी क्लास, मतलब दो दिन का व्लॉग एक साथ हो गया मेरे को। आधा तो भाई यहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं ना, तो इस वजह से इतना शोर होता है, जिम में क्लास भी नहीं कराई जाती और थोड़ी देर में बजना शुरू हो जाता है ये। चलो घर चलते हैं। तो देखो यहाँ पे ना अब इलेक्शन है ना एमसीडी के, तो सारी रोड यहाँ पे कोई मतलब कोई मिनिस्टर वगैरह कुछ आया होगी कोई, तो इस वजह से रोड जैसे साफ करने में लगे हुए हैं सारे, वैसे नहीं करते। तो यही प्रॉब्लम है हमारी कंट्री पीछे इसी रीज़न से है, कि अगर हर कोई अपनी ड्यूटी ढंग से निभाए तो सारी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन सबको अपनी ड्यूटी तब याद आती है जब कोई उनके सर पे खड़ा होता है। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और आज देखो मेरे पास क्या है। वैसे तो ये मेरे पास बहुत दिनों से है लेकिन मैंने खोला नहीं अभी तक। तो आप आधे लोगों को तो पता ही होगा कि ये क्या है। तो ये है जोलो चिप्स, दुनिया की सबसे 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 स्पाइसी चिप्स। इसके अंदर एक पीस है बस चिप्स का, सिंगल पीस बस, और ये मेरे को मिला है 250 रुपये में, मतलब 250 रुपये में पड़ा मेरे को पूरा। तो चलो इसके साथ भी कभी कुछ करेंगे, अभी थोड़े दिन में देखते हैं, आज कल में कभी भी। तो अब मैं घर पहुंच चुकी हूँ और अब खाना वाना खाती हूँ, हाथ मुंह धो लेती हूँ। इसलिए सील पैक है, इसको टच भी नहीं करा मैंने, तो खोला भी नहीं इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है ना, अगर हाँक माक में लग गई ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलो हाथ मुंह धो लेती हूँ। तो भाई मेरी बेटी खतरे में है, उसको बचाना पड़ेगा। जोई देखो मेरे इसके पास जाते ही इसका रिएक्शन ताकतवर होगी। जो ही हम मिलके मारेंगे, आजा आजा इधर आजा, चल मेरे बेटा बस बस शांत। मम्मी का कपड़ा है, मार मत। अब तू गया, जा जो कपड़े कपड़े नहीं, अभी मेरे साथ लेट जाएगी। पूरे दिन लड़ती रहती है हर किसी से, लड़ती। सो जा, चल सो जाओ, गुड नाइट, सो जाओ जल्दी। इसको अभी भी उससे लड़ाई करनी है, सो जा। देखो तो सब सो चुके हैं और जोई भी सो चुकी है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय।